कुंबरा पनवेल हाईवे पर एक अलीशान गजाली ढाबा है, जहां आप फैमिली के साथ अच्छा वक्त बिता सकते हैं। और आपको यहां लाजवाब अवधी, टर्किश, अरेबियन क्यूजिन, साथ ही स्पेशल डिश में पाए थाल प्लेटर खप्चा, वाइड रेंज ऑफ बेवरेज, यूनिक सीटिंग अरेंजमेंट फॉर ऑल, किड्स प्ले एरिया, किड्स राइड और एम्पल्स ऑफ पार्किंग। साथ ही आप वेडिंग और बर्थडे पार्टी के लिए भी बुक कर सकते हैं। तो आज ही आए गजाली फैमिली ढाबा। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के रशीद कंपाउंड में दो मासूम बच्चों को इमारत की तीसरी मंजिल से नीचे फेंकने की घटना सामने आई है, जिसमें 4 साल के जुहान सैयद की मौत हो गई है, जबकि 6 साल की जैनब अंसारी ये गंभीर रूप से घायल है, इसका इलाज चल रहा है। ये वारदात कल शाम के वक्त में हुई है। बताया जा रहा है कि माउंट बी की तीसरी मंजिल पर ये बच्चे खेल रहे थे और इसी इमारत में रहने वाले एक आसिफ नाम के व्यक्ति पर आरोप लगा है कि इसने दोनों बच्चों को तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया। इस घटना के बाद दोनों बच्चों को तत्काल अलग अलग हॉस्पिटल पहुंचाया गया, मगर जुहान की मौत हो गई जबकि जैनब का इलाज जारी है। इस घटना के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंची और आरोप लग रहे शख्स आसिफ को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस घटना के बाद आसिफ के खिलाफ स्थानीय लोगों में काफ़ी गुस्सा भी देखा जा रहा है। हालांकि पुलिस ने इसे हिरासत में ज़रूर ले लिया है, लेकिन ये शख्स जो है बच्चों को फेंकने की घटना से इनकार कर रहा है। लेकिन पुलिस पूछताछ में क्या बात सामने आता है, ये सबसे अहम बात है। वहीं मृतक बच्चे जुहान के पिता ने इस घटना को लेकर क्या बताया है, आपको सुनाते हैं। एक ही लड़का है ये? मेरा लड़का है, जुहान नाम है इसका। जी, कितने साल के? ये 5 साल का लड़का है मेरा। कहाँ रहते हैं आप? मैं माउंट वी में श्रीलंका में रहता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये आपको कितने बजे फ़ोन आया कि आपकी लड़की गिर गई है? ये मेरे को आया 5:30 बजे, मेरे को फ़ोन आया 5:30 बजे फ़ोन आया, तो मतलब चलो ठीक है मैं आ रहा हूँ। आने के बाद में ये होता है कि मेरे को ना घर वाले कोई बताते नहीं है, क्योंकि डर गए थे इसके लिए बता नहीं देते कि मेरा बच्चा डेड हो चुका है। तो फिर जब इधर आया तो मेरे को मालूम पड़ा डेड हुआ है। तो फिर उन लोग से पूछा तो क्या हुआ, तो बोले एक आदमी था, वो एक आदमी के लड़के को भी फेंका है और लड़की को भी फेंका है। लड़की कहाँ रहती थी? लड़की भी वहीं की है, हम लोग की बिल्डिंग की है, लेकिन वो मेरे को नहीं मालूम कि वो लड़की कौन है। वो अभी कहाँ पे है? वो अभी कालसेगर में, और वहाँ पर एक लेडीज कांस्टेबल भी होता है उसका स्टेटमेंट के लिए। तो अभी सीरियस में? वो अभी सीरियस है, लेकिन जब वो गिरी थी तो उसने बताई थी कि मेरे को अंकल ने फेंके, तो ताबड़तोब उन लोग ने भागे, तो भाग के वो जो आदमी फेंका था उसको पकड़ा गया। वो अभी किधर है? वो अभी शायद चौकी में। चौकी में? कुछ नाम मालूम है इसका? हाँ, नाम मालूम है? कुछ भी नहीं मालूम है, वो इंसान को मैं पहचानता तक। वो उधर रहता भी नहीं? वो रहता भी नहीं।